तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा होम स्क्रीन है और मैं सबसे पहले डाउनलोड करना चाहूँगा एक्सेल को। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में एक्सेल नहीं होता है, उसको डाउनलोड करना होता है। तो आपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और सर्च में जाके आप सर्च कीजिए एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल, जो भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लिस्ट आ सकते हैं, लेकिन आप जो है वही ओपन कीजिएगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखा है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वो आपका एक्चुअल एक्सेल होता है। अब मैंने इसको लॉगिन कर लिया, डाउनलोड करते हैं। बड़ी MB नहीं, 20-22 MB की सॉफ्टवेयर होती है, 64 MB के, माफ़ कीजिएगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसको भी देखिए, 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, तो हाईएस्ट डाउनलोडेड यूज ऐप है ये, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो 2 मिनट वेट करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये हो गया है, अब ये डाउनलोडिंग हो गया, इंस्टॉलिंग हो रहा, इंस्टॉल हो गया। अब इसको चलिए हम ओपन करते हैं। अब ओपन होने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है पैचिंग और फाइल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि बगैर आप लॉगिंग किए हुए इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लॉगिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपको पूछेगा साइन इन, क्योंकि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसकी जो फाइल्स होती है वो आपके सिस्टम में स्टोर नहीं होती है। तो क्लाउड पे जाने के लिए आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट ID डालना होगा। तो मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ID डाल के पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करता हूँ।